Hello aspirants, welcome to Manual Hotel Management channel. So today in this particular video we are going to see the common mistakes which you might do or you have done earlier which you don't have to repeat this time. So never do these mistakes while filling NCHM CET 2023 form. So form bharte time aapko kuch baaton ka bahut dhyan rakhna hai. Abhi bhi bahut sare student hai jo hame comment kar rahe hain ki sir cheeze nahi ho rahi hai, jaise aadhar card ka jo details hai authenticate nahi ho raha hai, photo and signature update nahi ho raha hai. कैटेगरी और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी कुछ आपको चीज़ें ध्यान रखनी है और फाइनल पेमेंट आपको वो भी ध्यान रखना है. ठीक है, ओके. सो सबसे इम्पोर्टेंटली जो आपको ध्यान रखना है वो ये चीज़ है कि जो आपका जो नाम है, ठीक है, वो जो नाम यहाँ पे आप डालते हो वहाँ पे जो नाम डालना है आपको वही नाम डालना है जो आपके आधार कार्ड में है. अदरवाइज जब बाद में आपका आधार कार्ड ऑथेंटिकेट होता है आगे चल के तो वो ऑथेंटिकेट नहीं होगा. ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपके आपका नाम राहुल कुमार है, ठीक है, या फिर आपके आधार कार्ड में आपके नाम के बीच में आपके फादर का भी नाम है, ठीक है, तो फादर का नाम भी आपको वहाँ पे पूरा जब नाम है वो पूरा मेंशन करना है. जैसे अगर आपके फादर के नाम के पीछे जी लगा हुआ है वैसा कुछ है तो एक भी जो अल्फ़ाबेट है वो यहाँ से वहाँ मिस नहीं होना चाहिए. एग्जैक्टली जैसा आपके आधार कार्ड में दिया हुआ है सेम टू सेम आपको वैसा ही फॉर्म फिलिंग में डालना होता है. ठीक है, तो जिस तरीके से आप जब भी फॉर्म फिल करते हो तो यहाँ पे जो आपका कैंडिडेट नेम है वहाँ पे आपका पूरा नाम डालना है जो आपके आधार कार्ड पे मेंशन है. ठीक है, और आपके फादर का नाम भी जिस तरीके से आपके आधार कार्ड में मेंशन है सेम वैसा ही आपको यहाँ पे भी डालना है. ठीक है, सो ये मिस्टेक आप बिल्कुल मत करना कि आपने जो नाम है वो वैसे डाल दिया, क्योंकि आधार कार्ड ऑथेंटिकेट नहीं होगा. ठीक है, और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पे सेम नाम होना चाहिए. अगर कहीं पे भी कुछ मिस्टेक है तो पहले उसको रेक्टिफाई कराना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, मेक श्योर करो कि आपके आधार कार्ड का नाम और आपके जो टेंथ और ट्वेल्थ की मार्कशीट है वो दोनों नाम बहुत सेम हो. ठीक है, अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है कमेंट में बताइए कि सर वैसा कोई आपको इशू पर्टिकुलर आ रहा है. सो विल ट्राई कि उस पर क्या सोल्यूशन हम आपको दे सकते हैं. ठीक है, और अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है गाइस, तो हमने बैच लॉन्च कर दी है फॉर एनसीएचएम सीईटी 2023 के लिए, जिसमें आपको लाइव लेक्चर्स मिलते हैं फ्रॉम एक्सपर्ट फैकल्टीज. आपके लिए जो बुक्स ई बुक्स हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, डाउट क्लासेस, रिकॉर्ड वीडियो लेक्चर्स, टॉपिक टेस्ट ऑल्सो देयर, फुल एंड मॉक टेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड होते हैं और 10,000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं आपके थ्रू आउट द प्रिपरेशन. मेंटरशिप इज ऑल्सो देयर अंटिल योर एग्जामिनेशन, तो आपको जो जब भी आपको जरूरत होती है या डाउट होता है या फिर बात कर सकते हो मेंटर से. सो यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर टारगेटिंग IHM टॉप IHMs, यू नो IHM औरंगाबाद एंड अदर एनी अदर होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस एनी अदर होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस. ठीक है, अगर आप मुंबई में हो सेंटर विजिट करिए हमारा दादर बोरीवली, वैसे ये नंबर पे कॉल कर सकते हो. और हमारे काउंसलर से बात करने के लिए 8828581455 पे अभी कॉल करिए फॉर लाइव क्लास, ऑनलाइन क्लास के लिए. और वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो manual.com. अपने जो एड्रेस है वो करंट एड्रेस डाल सकते हैं, एड्रेस में ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं होगा कि आधार कार्ड का एड्रेस ही आपको डालना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं. आपका जो करंट एड्रेस है आप वही डालिए. ठीक है, जब अगर फोटो एंड सिग्नेचर का कोई इशू आ रहा है तो आप पहले नॉर्मली एक ही काम कीजिए, आपका जो फोटो है उसका बैकग्राउंड पूरा प्लेन होना चाहिए. ठीक है, और ऐसा नहीं कि आपका प्लेन जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा है और आपका फोटो एकदम छोटा है, थोड़ा सा जूम कर लीजिए अपने फोटो को, तो आपका जो फेस है उसका जो पार्ट है वो ज़्यादा होना चाहिए और आपका जो बैकग्राउंड है वो आप प्लेन वाइट ही रखिए. ठीक है, तो वो फटाक से ले लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, सिग्नेचर के लिए आपका जो KB दिया हुआ है ना, ये KB ज़रूर आप मेंशन कीजिए. ठीक है, 4 KB से 30 KB तक का है, तो अपने मोबाइल में पहले फ़ोटो की क्लिक कीजिए अपने सिग्नेचर की, उसको क्रॉप कर लीजिए अपने मोबाइल में. और फिर बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको जो अपनी इमेज है वो कंप्रेस कर सकते हो. ठीक है, सो उसको कंप्रेस करके 30 MB से कम लेके आना है और फिर उसको सेव करोगे तो वहाँ पे आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड हो जाएगा आराम से. ठीक है, तो आप जो है इमेज कंप्रेसर करके वेबसाइट्स हैं उस पर कर लीजिए एंड फोटो भी आप वहीं पे आप उसको कंप्रेस कर सकते हो. ठीक है, फोटो आप क्लिक कर अगर आपके इसमें है तो करिए, अगर फोटो नहीं है तो फोटो क्लिक करके आपका जो बैकग्राउंड है उसको वाइट कर लीजिए. ठीक है, तो वो आपका अपलोड हो जाएगा. और फोटो मेल के लिए भी आपका जो KB है वो KB को आप ध्यान में रखते हुए ही करना है. ठीक है, और बाकी के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अभी से उसको रिसाइज करके 300 KB से कम करके उसको रख दीजिए. ठीक है, अगर 300 है तो मेक श्योर कि आपका वो 290 या फिर 291 हो. अगर आप ऐसा 300 है, अगर आप 100 करते हो तो जो फोटो की क्वालिटी है वो बहुत कम हो जाती है और फिर वहाँ पर कुछ भी दिखता नहीं है. तो देयर माइंड भी चांसेस कि अगर ऐसा कुछ अगर प्रॉब्लम होता है वहाँ पर तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट भी हो सकता है. अगर आपने आधार कार्ड की डिटेल्स रॉन्ग डाली है, अपना नाम रॉन्ग डाला है, तो वहाँ पे भी देर आर चांसेस कि आपके जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकते हैं. ठीक है, सो ऐसे कोई भी ऐसे प्रॉब्लम्स अगर आप फेस कर रहे हैं तो कमेंट में बताइए.
ठीक है, डायरेक्ट सबमिट मत कर दीजिए क्योंकि बाद में आपको वो प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो। ओके, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे अपलोड होने के बाद आपको फाइनली कुछ इस तरीके का आता है जहाँ पे आपके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कंप्लीटेड है, जो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भी आपने जो है कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पे आपकी जो पेमेंट है अभी वो पेमेंट बाकी है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको पेमेंट में इशू आ रहा है तो थोड़ा सा मैं आपको गाइड करता हूँ कैसे आपके पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली आपको करना है, ठीक है। इस तरीके का आपको ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे आपको पे एग्जामिनेशन फीस, जो भी आपका फीस है, अगर आपने कोई अलग अदर कैटेगरी डाला है तो मेक श्योर कि आपने जो भी कैटेगरी डाला है गाइज, ये भी आप ध्यान रखिए कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर कैटेगरी मेंशन किया है, ओबीसी है, एससी एसटी है, तो डॉक्यूमेंट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भी हो तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर बाद में अगर आप सोचो बोलोगे कि सर डॉक्यूमेंट्स तो अभी बनाने पड़ेंगे या फिर नहीं बन रहे हैं, तो फिर फॉर्म आपका फिर वहाँ पे बाद में आगे चल के रिजेक्ट भी हो सकता है, फिर और भी आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम फेस करने से आपको बचना है, ठीक है, ताकि आपको आगे चल के, क्योंकि एडिट का ऑप्शन इन्होंने मना किया है, एडिट बाद में सबमिट करने के बाद नहीं होने वाला। फी पे क्लिक करते हो, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन है, ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट। देखिए, यहाँ पे करने के लिए बिल डेस्क पेमेंट गेटवे है जहाँ पे आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से ही होगा, ठीक है। ओके, सो गाइस, अगर आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपका जो मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है, बैकएंड से आपका जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, ऑनलाइन पेमेंट है, वो ऑन होना चाहिए। नॉर्मली जो डिफॉल्ट ऑप्शन होता है वहाँ पे ऑफ होता है, ठीक है। तो आपको मेक श्योर करना है कि जो आपको अगर क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो या फिर डेबिट कार्ड से, तो वहाँ पे आपका जो ऑप्शन है उसको ऑन रखना है, नहीं तो फिर वो रिजेक्ट होगा बार बार। और आप सोचोगे ये रिजेक्ट क्यों हो रहा है, बैलेंस तो पड़ा है अकाउंट में बट फिर भी ये नहीं ले रहा है, ठीक है। सो इस ये रीजंस बहुत कॉमन है स्टूडेंट्स का, क्योंकि उनको पता नहीं होता है जो भी अकाउंट से आप कर रहे हो, जो भी डेबिट कार्ड से कर रहे हो। सो मेक श्योर कि उसका जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, सारे ट्रांजेक्शन्स के ऑप्शन जो है उसको स्विच ऑन करना है, एंड देन बाद में आपको पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं, वो डिफ़ॉल्ट नॉर्मली जब आप अगर नया है या फिर आपने कभी पेमेंट किया ही नहीं है तो वो ऑफ ही रहता है, ठीक है। सो वो आप मेक श्योर कि ऑन करना है। अगर नेट बैंकिंग से करते हो तो जो भी बैंक है वो बैंक सेलेक्ट करके वहाँ उस पर्टिकुलर बैंक के वेबसाइट पे आप चले जाओगे और वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आपका बैंक का यहाँ पे नाम नहीं है तो आप ऐसे बैंक से करिए जो अगर किसी और के पास है, या फिर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ही कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप कार्ड नंबर्स डालना है, एक्सपायरेशन डेट, CVV जो आपका है वो डालना है, और कार्ड होल्डर नेम में जो कार्ड के ऊपर जो नाम दिया हुआ है वो डालोगे, मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, एंड देन आपका जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। OTP आएगी आपको, जो भी कार्ड में OTP है वो, अगर मोबाइल नंबर है तो वो मोबाइल नंबर होना चाहिए, OTP आएगी, OTP डालना है, एंड OTP के बाद ही आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली डन हो जाएगा, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस अगर आपने ध्यान में रखे हैं तो पेमेंट हो जाएगा। अगर फिर भी कोई और इशू आ रहा है कमेंट में बताइए, उसके ऊपर भी विल ट्राई टू मेक द वीडियो, ठीक है। क्योंकि गाइस, हमने ऑलमोस्ट जो मेजर प्रॉब्लम्स इशू कर रहे हो उसको हमने कवर करा है, फिर भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, क्या फेस कर रहे हो वो आप हमें बताइए, सो विल ट्राई टू गिव यू द सॉल्यूशन अकॉर्डिंग द सेम। काउंसलर से बात करने के लिए अभी कॉल कर सकते हो 8828581455 पे, जहाँ पे आप बात कर सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी अपने डाउट भेज सकते हो सेम नंबर पे, ठीक है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैन्यूअल होटल मैनेजमेंट चैनल, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके जो भी अपडेट्स हैं, आने वाले अपडेट्स, पेपर पैटर्न डिस्कशंस, एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न जो भी है, हम वीडियो डालने वाले हैं, तो जैसे ही वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब, बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जो भी अगर आपके कोई ऐसे या फिर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिनका कोई प्रॉब्लम आ रहा है फॉर्म फिलिंग में, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनका भी जो फॉर्म फिलिंग है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अगर आप मुंबई में हो तो ये सेंटर विजिट कर सकते हो अपने पेरेंट्स के साथ, वसई, दादर, बोरीवली, ये नंबर पे कॉल करके शेड्यूल कर लीजिए अपना जो सेशन है। और वेबसाइट पे अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट बुक्स, वीडियो लेक्चर्स, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल्स मिल जाते हैं, सो यू कैन ऑल्सो चेक आउट द वेबसाइट। ओके, थैंक यू सो मच गाइस एंड तक वीडियो देखने के लिए, सी इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन। बने रहिए मैन्युअल एजुकेशन के साथ।